जी तो आई होप दिस को जो है जब आप लोग तीन मॉडल्स दिए हुए हैं तो इट्स अप लोग तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करो टू मूव फॉरवर्ड या चार या पांच इसी में तो और भी तो हम लोग को दिए हुए हैं ना होलसेल भी दिया हुआ है ई भी दिया हुआ है तो इनमें से कौन से एक दो या तीन के कॉम्बिनेशन में जो भी तुम लोग हैंडल कर पाओ कैपेसिटी हो जिसको हैंडल करने की विच आई पर्सनली थिंक के ह्यूमनली पॉसिबल ये है कि अगर आप लोग तो पी कर रहे हो और अगर जा साथ साथ कोई जॉब भी कर रहे हो और अपना बिजनेस कर रहे हो तो अगर ये दो चीजें तुम लोग पहले कर ही रहे हो तो आई थिंक इसके साथ तुम लोग एक और चला सकते हो तो तुम लोग को फिर वो एक और जिसके साथ डिटर्मिन ये करना है कि तुम लोग को कितनी रिसोर्स चाहिए होगी साथ में हैंड इन हैंड वी कितने चाहिए होंगे कौन सा ऐसा मॉडल है अगर वी के साथ नहीं का, काम करना कौन सा ऐसा मॉडल है जिसपे तुम लोग लेट अलोन अकेले एक मॉडल के साथ काम कर सकते हो तुम लोग को फिर ये चीज डिसाइड करना जरूरी है थोड़ा सा कैलकुलेटिव स्टेप लेना पड़ेगा तुम लोग को समझने के लिए तो इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल तुम को सारे मॉडल्स इंप्लीमेंट करने लेकिन ऑब्वियसली तुम लोग को कोई एक साथ लेके चलना चाहिए इडली ताकि तुम लोग अपने सो व्हाट इज द कोर्स आउटलाइन फॉर केंडल पब्लिशिंग आर सम ऑफ द एरियाज दैट आई विल बी कवरिंग गेटिंग स्टार्टेड जिसमें मैं तुम को आई विल गिव यू द स्टार्टेडियसलीस्ट ऑफ द होल कोर्स के एग्जैक्टली exactly, तुम को क्या एक्सपेक्ट करना है क्या होगा क्या नहीं होगा इंट्रोडक्टरी सेशन होगा कि ओवरऑल इस पूरे किंडल पब्लिशिंग में कवर क्या हो रहा होगा अब मैं पहले से तुम लोग को एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि तुम लोग मैं आज के दिन ओवरऑल कंटेंट में क्या कवर हो रहा होगा वो डिस्कस कर रहा हूँ फिर बता रहा हूँ ओवरऑल कंटेंट में यस आज के दिन ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को टच करते हुए मैं लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं जो एप्लीकेशन है जब वो एरिया स्टार्ट होगा तभी मैं बताऊंगा तो इन एडवांस पूछने का फायदा नहीं विच रिमाइंड मी मैं तुम लोग को जो है ना तुम लोग की गूगल शीट दे देता हूँ ठीक है तुम लोग ने इस पे ही सवाल जवाब करने जो करने ठीक है।, है आगे बढ़ते हैं तो राइटिंग गेटिंग स्टार्टेड राइटिंग योर बुक कवर डिजाइन फॉर्मेटिंग फॉर किंडल पब्लिशिंग ऑन किंडल मार्केटिंग एनालिटिक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर ऑर्थर्स सो ये सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे होंगे इसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन ऑल टूगेदर हम लोग ये सारे aspects कवर कर रहे होंगे um, कुछ तक मार्केटिंग और दो ऐसे एस्पेक्ट हैं वो मैं अभी आप लोग को आगे जाके बताऊंगा जो प्रॉबर्बली पूरे किंडल के गेम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं ये समझता हूं कि इफ यू वॉन्ट टू गेट योर बुक रैंकड तीन चीजें तुम तो लोग को बहुत खास ख्याल रखना होगा कवर डिजाइन टाइटल सब टाइटल एक ही नंबर टू पॉइंट है टाइटल सब टाइटल टू पॉइंट है और मार्केटिंग अच्छा सो मार्केटिंग में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं हमारे पास जिसमें से एक टेक्निक जो है वो ये है कि आप लोग इसको ऐसे लॉन्च करोगे जैसे आप लोग अपना पीएल प्रुण प्रोडक्ट करते हो हाइपर लॉन्च मतलब तो उसके लिए मैं तुम लोग को एम सी फ्लो दूंगा जो तुम लोग को फॉलो करना होगा वो बन गए और ये पुराने हमारे जो बी सी हैं उनके लिए भी होगा बिकॉज ये पहले मैंने नहीं दिया था और ये जो नए हैं उनके लिए भी होगा लाइक आई सेट कि मैं अपने कोर्सेज को बार बार अपडेट करते रहता हूँ तो ये तुम लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि यू गाइज कैन मेक यूज ऑफ इट सो हाउ टू गेट मोस्ट ऑफ गेट द मोस्ट वैल्यू हैव अ नोटबुक जर्नल ये आइडियाज तुम लोग अपने लिखते रहना जितने भी मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बंदा वन टाइम में याद नहीं कर पाता तो बेहतर यही है कि तुम लोग के पास कुछ हो पहले से लिख लो कि मैं तुम लोग को क्या क्या पॉइंट दे रहा हूं um, जो भी चीजें बता रहा हूं वो तुम लोग विद द फ्लो इम्प्लीमेंट करते रहो अगर मैं तुम लोग को बता रहा हूँ आईडी क्रिएशन कैसे करनी है तो इस सेशन के फौरन बाद कोशिश करो तुम लोग अपनी आईडीज क्रिएट कर दो सही, डिस्पोजल uh, जब तुम लोग भी चाहिए हो मुझे बस बता दो और ईसीबीसी कम्युनिटी में ज्यादा जाद से ज्यादा सवाल करो सही है डाइस प्लीज अपने कैमरा टर्न ऑफ कर दें बल्कि मैं रोक देता हूं इस बार दिस टाइम ठीक है और तुम लोग ने जो है इस कोर्स से एक्सपेक्ट ये करना है कि तुम लोग 300 से 700 डॉलर के बीच में तुम लोग लैंड करो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लोग ज्यादा नहीं कर सकते और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम लोग ये समझो कि भाई जो मैंने तुम लोग को ड्रॉप शिपिंग में बताया था कि फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखो और दिमाग में ये रखो कि मतलब मैंने जो है ना तीन हजार डॉलर बनाने तो तुम लोग बना लोगे मैं ये नहीं कह रहा तुम लोग नहीं बना सकते लेकिन अगर तुम लोग बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक शुरू में ही इस एक्सपेक्टेशन रखोगे तो तुम लोग के लिए इश्यूज रहेंगे ठीक है तो ये दिमाग में रखना है तुम लोग ने कि तुम ने 300 से 700 डॉलर बनाने के लिए ये पूरा प्रोग्राम जो है मैं तुम को उस लिहाज से शुरू में तुम लोग माइल स्टोन दे रहा हूँ तुम लोग ने अचीव करने हैं और अपना फोकस तुम लोग ने वैसे ही रखना है माई पर्पज फॉर पीपल इंटरेस्टेड इन के ये मैं तुम लोग बता दू हेल्प यू गेट योर बुक पब्लिश सेल एज मेनी बुक्स एज पॉसिबल हेल्प यू प्रोवाइड द नॉलेज स्किल्स टू बिकम दिलिंग ऑथर इन शाह तला तीन सौ से पांच सौ डॉलर का गोल एंड हेल्प यू सेव एज मच मनी एज पॉसिबल एज अगर तुम लोग इसको अगर किचन इनकम के लिए कर रहे हो तो उसके लिए इफ नॉट दैट देन सेविंग के के लिए सो फ्यू थिंग्स अबाउट किंडल पब्लिशिंग जो लोग जिनको नहीं पता सो so मैं तब पहले तुम लोग ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ वॉट इज किंडल मतलब जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सो बेसिकली किंडल इज अ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म जहां पे पहले एक सबसे बड़ा इशू ये होता था कि लोगों के पास बुक्स बुक लोग लिख लेते थे, थे या उनके पास राइटिंग स्किल्स होती थी या वो किसी से लिखवा लेते थे, थे किसी गोस्ट राइटर से और गोस्ट राइटर से लिखवाने के लिए जब उनको बुक पब्लिश करवाने जानी होती थी तो वो लोग किसी पब्लिशर हाउस के पास जाते थे फिर वो बुक को रिजेक्ट करते थे या एक्सेप्ट करते थे और फिर वो जाके जो है ना पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता था जिसमें रिजेक्शन के जाहिर सी बातें चांसेस ज्यादा होते हैं वेयर एज कैंडल प्लेटफॉर्म ने आपके लिए ये पूरा सिस्टम बहुत ज्यादा इजी बना दिया है यू डू नॉट गो यू डू नॉट है ये सारी चीजें एफ देर इन प्लेस तो इट इज हाईली लाइकली बहुत आराम से आपकी जो है ना बुक पब्लिश होगी एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज के वो ई e बुक फॉर्मेट में होती है तो पीपल हु है It's basically a tablet. So uh, uh, those of those people who are uh, buying Kindle Fire in US or in other markets in other countries, they will have easy access to your book. They just have to download the Kindle Fire. I mean, the Kindle um, app, which comes free with Kindle Fire, obviously, and they can have it to read. So yeah, and more than 10% Americans read Kindle books, and it's growing rapidly.

पब्लिशिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है हैव योर बुक फॉर्मेटेड एडिटेड एंड डिजाइंड ये आप ही कर रहे होगे वेयर एज वो पहले पब्लिशर करता था ठीक है ये आप किसी थर्ड पार्टी या किसी रिसोर्स को हायर भी कर सकते हो या फाइवर या अपवर्क पे जाके भी करवा सकते हो ये काम ठीक है चूज वेयर द वेयर टू सेल्फ पब्लिश एंड मेक योर बुक मार्केट योर बुक ठीक है ये पार्ट जो है यहाँ पे ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में जो है ना सबमिट टू पब्लिशर्स एंड होप इट गेट्स एक्सेप्टेड एक चैलेंजिंग प्रोसेस होता था ठीक है थोड़ा चैलेंजिंग होगा मार्केट योर ओन बुक ठीक है सो ये यहां पे मैं आप लोग को जो है न, exactly को issues, ना एग्जैक्टली हेल्प करवा रहा ताकि आप लोग को इशूज इंशाला ना हो ठीक है so by the end of the day everyone knows it's about money sahi hai so you should just know ke exactly aap log on an average kitna kama rahe hoge aur kya ho raha hoga with traditional sellers you earn about 2 dollars a copy sold on a book that prices at 25 dollars sahi hai matlab agar aap log publisher के through जाते हो और अपनी book कोई publish करवाते हो whereas एज अगर वही बुक आप किंडल पे पब्लिश करते हो तो विथ सेल्फ पब्लिश ई बुक ऑथर यू अर्न टू डॉलर थ्री डॉलर ई बुक सोल्ड ठीक है तो टू डॉलर रॉयल्टी मिलेगी वेर एज अगर तीन डॉलर पे आप बेचो तो एक डॉलर जो है ना वो एमेजोन को जाएगा वॉट वुड बी मोर इजियर टू सेल एंड आई एम श्योर यू कैन यू गाइस कैन डू द मैथिंक ओवर दिस की एग्जैक्टली कौन सा ज्यादा ईजी होगा आपके लिए बेचने के लिए बाई द एंड ऑफ द डे क्योंकि वहां पे ऊपर वाले प्रोसेस में सबसे टॉप वाले प्रोसेस में पब्लिशर के अपने खुद के नखरे भी अच्छे खासे होते हैं ठीक है आ, प्लीज कोई शीट शेयर कर देगा इनको मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ आई एम सॉरी मैंने आ, किसी को शायद पर्सनल मैसेज भेज दिया था सब लोग शीट एक्सेस कर लें मैंने भेज दिया शीट का एक्सेस ओके okay. एक और बार शेयर कर रहा हूँ मैं

वन टू थ्री फोर करके बता दो कि वॉट इज द मोस्ट वॉट यू थिंक वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अमंग्स ऑल फोर ऑफ दीज थिंग्स विच सेल्स द बुक बाई द एंड ऑफ द डे या सो सो आई टेल यू समथिंग इनिशियली हम लोग को भी ये बात समझ नहीं आती वेन वी लॉन्च आर फर्स्ट बुक और फिर ग्रेजुअली हम लोग को समझ आई मैं आप लोगों को कुछ एक, एक दो केस स्टडीज भी बताऊंगा ऐसी तो द थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर वन इन इन टू बुक मैं की बात कर रहा हूं एक बुक की बात कर रहा हूं मैं ठीक है मतलब ई e बुक की या uh, किसी भी बुक की द नंबर वन थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज द कवर ऑब्वियसली इट द नेक्स्ट मोस्ट थिंग और प्रोबेबली उतनी ही इंपॉर्टेंट कवर की जितनी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो फॉरन चीज है वो है टाइटल एंड सब टाइटल बट नंबर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो वट इन द बुक इज वट है अभी so आप लोग को कुछ चीजें बता रहा हूँ अबाउट किन्डल मार्केटिंग की तरफ जब आऊंगा तो आप लोग को और ज्यादा क्लैरिटी आएगी इस चीज के ऊपर द थिंग इज कि आपकी बुक के अंदर क्या है बंदे को कुछ पता नहीं है अनलेस कि आपकी बुक पहले से मशहूर है या आपकी बुक जो है वो पहले से डिफेम हो चुकी है या मतलब लोगों को पसंद नहीं आई है तो वो पहले से लोगों को बोलते प्लीज ये बुक मत खरीदना बहुत फजूल बुक है सही है अगर बुक अच्छी है तो फिर वर्ड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आ जाती है उसमें ऑलरेडी लोग जो है ना एक दूसरे को बताना शुरू कर देंगे सही है द थिंग इज वेन यू डोंट नो वट्स इन द बुक ज गो फॉर द कवर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बता देता हूं सही है इफ आई एम इंक्लाइन टू वर्ड्स एडवर्टाइजिंग ठीक है तो ठीक है अगर मैं किसी इंफ्लुएंसर uh, को फॉलो करता हूं जैसे सेथ गॉर्डन है सही है या कोई और है तो अगर मैं पहले से जानता हूं किसी इंफ्लुएंसर को वहां पर जो है ऑथर का नाम या टाइटल या सब टाइटल काम आ जाएगा लेकिन अगर आई एम जस्ट स्कैनिंग थ्रू ऑल द कवर कवर्स ऑफ मतलब मैं एक लाइब्रेरी में जाता हूँ वहां पे मैं एक सेक्शन में जाता हूँ एडवर्टाइजिंग की और वहां पे मैं देखता हूँ कि अच्छा यार फेसबुक एडवर्टाइजिंग की मुझे कोई मिल जाए और फिर वहां पे कोई ऐसी चीज मुझे नजर आ जाती है विथ कवर मतलब ऑब्वियसली पहली चीज टाइटल पढ़ने से पहले तो सबसे पहले आपको अपीलिंग अपीलिंग कवर लगेगा ना उसके बाद फिर मैं टाइटल पढ़ूंगा तो लाइक आई सेट के बोथ ऑफ दी थिंग्स गो हैंड इन हैंड

अगर आप लोग के थोड़े से बुरे रिव्यूज भी आते हैं तो आप लोग जो हो उस बुक को बेहतर कर सकते हो पैराफ्रेज फिर से करवा सकते हो और फिर से रीलॉन्च कर सकते हो ठीक है सो राइटिंग फिनिश योर बुक कोशिश ये करो तुम सबको बोल रहा हूं जो जो दो यू गाइज जो भले गोस्ट राइटर हायर करवा रहे हैं सो so, गोस्ट राइटर का काम क्या होता है गोस्ट राइटर आप हायर करते हो ठीक है उसको आप बोलते हो तुमने मेरे लिए एक इस निश में बुक लिखनी है उसकी कोशिश आप ये करते हो कि उसकी उस एरिया में एक्सपर्टीज हो वो वो आपके लिए बुक लिखेगा वो उसका क्रेडिट नहीं लेगा राइटर का काम ही यही होता है कि वो कभी भी बुक का क्रेडिट नहीं लेता आप लोग वो बुक जो है रेडी करवाओगे पर मैं आप लोग को उसकी वो कॉस्ट वगैरह और कैलकुलेशन बाद में दूंगा पहले मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप लोग वो बुक लिखवाओगे वंस द बुक इज रेडी फिर आप लोग जो है ना उसको पब्लिशिंग की तरफ जाओगे किंडल के ऊपर और आप लोग बोलोगे कि ये मेरी बुक है ये मैंने लिखी है आप ऑथर हो उसके यहाँ जिनके, uh, मतलब जिनके पास पहले से जो हैव द टाइम दे द टेंडेंसी गो फॉर इट इनफैक्ट दैट इज प्रोबेबली बेटर अप्रोच क्योंकि आप लोग अपने पैशन से रिलेटेड कोई बुक लिख रहे हो <coughs> सही है पॉइंट नंबर टू इज परफेक्शन इज ये सो परफेक्शन इज योर एनिमीट योर बुक लॉन्च बट हाउ एवर ऑलवेज रिमेंबर बी एरिया जहां पे आप लोग चाहोगे की यार बुक और बेहतर हो जाए एंड यू कैन ऑलवेज मेक एमेंट्स टू अ बुक सही है आप लोग अपने वर्जन लॉन्च कर सकते हो

she could have launched the book book in a month's months time time or two months time, okay? easily basically short short story what I felt was करा तो आई जस्ट टोल्डर के मतलब प्रोबेबली तुम्हें ये पूरा स्टेप पहले से दो पहले महीने दूसरे महीने में ले लेना चाहिए था लॉन्च करना अलबत्ता हाँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट typo मिस्टेक्स typo मिस्टेक्स obviously आपको सबसे पहले सही करनी है छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं वो तो आपको सही करनी है लेकिन थिंग्स um, लाइक like कि आप लोग जो है अपनी लिटरेचर को बढ़ा रहे हो अपने जो पूरी स्टोरी है अगर शॉर्ट स्टोरी है उसके अंदर बार बार आप चेंजेस करे जा रहे हो इन ऑल दैट सही आप करो आई एम नॉट यू से डू दैट बट डोंट पुट टू मच टाइम इन इट सही है um, सो so, या yeah. So 5,000 words and up is fine for an ebook depending on genre. Albata, when I talk about uh 5,000 words to 15,000 words, I talk, I'm talking 15,000, 12,000 agreement. I'm talking about short story reads. So yeah. So yeah. Professional editing team. If you want to compete with professionals, if you want to compete with professionals, then you should have a professional team. So yeah. Uh आई दर यू गोई टू हायर समन फॉर दिस और आई एम गोइन टू ट्रेन यू फॉर दिस सही आप लोगों को बता दूंगा क्या स्टेप आप लोग लेने कुछ ऑटोमेटेड तरीके भी है वो मुझे देखने पड़ेंगे सही है तो यू शुड है आपने भी बुक लिखी है हायर अ प्रोफेशनल टू डू क्यू ऑफ योर बुक मेक श्योर दे आर नो टाइपोज मेक श्योर एवरी थिंग्स इन प्लेस और फिर जल्दी से उसको लॉन्च करने की तरफ लेके जाओ सही राइटिंग अल्फ माई नॉट लीड यू टू कम्पलीशन एज यूल गेटेशनल जस्ट गो थ्रू यूर इन्यूरेज एंड फॉल्ट फॉर्मेटिंग फॉर किंडल इट्स वेटी सिंपल अच्छा तो ये मैं आप लोग का तरीका आप लोगों को बता रहा पंद्रह हजार की बुक भी जो है आप लोग विद इन थर्टी मिनट्स जो है ना इसको इनशाला आप लोग इसको फॉर्मैट कर लोग

अगर आप लोग एक ही टॉपिक के ऊपर ढूंढ रहे होते हैं। और ये दोनों बुक्स एक ही टॉपिक के ऊपर होती Let's say के अंदर का आप लोग का राइट वाली बुक का ज्यादा अच्छा है आप लोग खुद ये अभी डिसाइड कर सकते हो प्रॉब्लली आप लोग फिर भी लेफ्ट वाली बुक जाके खरीद रहे होते वॉट डज इट से मोर देन थ्री हंड्रेड क्वेश्चन टू हेल्प यू राइट योर पर्सनल हिस्ट्री योर ऑटोबायोग्राफी सही है आप लोग बुक का पूरा कवर देख सकते हो कितना लेम है और यहां तक इनफैक्ट जो बुक इट है उसका टेक्स्ट भी सही से, से समझ नहीं आ रहा है ठीक है यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप लोग को बुक ई बुक का आप लोगों अगर ई बुक डिजाइन करनी नहीं आती डोंट स्ट्रेस ओवर इट गेट अ प्रोफेशनल हायर्ड फॉर इट बिकॉज दिस इज वन ऑफ एरियाज जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ठीक है आप लोग ये सोच सकते हो कि यार मैं अपनी ई बुक का जो अंदर का है मैं उसको इन बेहतर कर रहा लेकिन ये वो चीज है जो आपकी फर्स्ट टाइम में अच्छी होनी चाहिए द एरिया जहां बोलूंगा कि यू हैव टू पुट योर मोस्ट एफर्ट बिकॉज आपकी बुक का कवर एंड टाइटल स्पीक फॉर इट ठीक है हा श्योर आई एंड रिगार्डिंग द बोट नाइंटी विथ कवर लिमिटेशन ऑन एमेजॉन तो आप लोग को इस बारे में ख्याल ठीक है खास, uh, when I say this, तो आप लोग को मैं एक और बार बता देता हूँ आपकी विट जो है वो नाइंटी से ज्यादा जाएगी तो आपकी जो डायमेंशन है वो आउट ऑफ डायमेंशन जाएगी ऑब्वियसली और चीजे सही से रीडेबल शायद ना हो तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दिस वन थमनेल आई नो आई होप यू कैस नो वट थमनेल इज सही है, मतलब जब आप लोग Amazon के Kindle की लाइब्रेरी में जाते हो और आप लोगों को सारी बुक्स नजर आ रही होती हैं वो सारी बुक्स जो नजर आ रही हैं हैं वो बेसिकली बेसिकली जो पिक्चर नजर आ रही है दैट्स द एक छोटी सी केस स्टडी है फ्रॉम नाइनटीन सिक्सटीज और ये काफी मशहूर है आर्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी एक बंदे ने बेसिकली अः अः हेल्डमैन जूलियस केस स्टडी है ये उसने जो है ना बुक लिखी थी उसने अपनी बुक लॉन्च करी थी ऑब्वियसली उसका कैंडल नहीं था आ, पब्लिश करवाई थी उसने बुक सही है एंड जीरो कॉपी सोल्ड उसके बाद उसने पूरा कवर डिजाइन करा था उसने जनरल टाइटल जो है चेंज करा था अपनी बुक का एंड uh, उसने फिर उस बुक का नाम रखा हाउ टू आर्ग्यू लॉजिकली ठीक है सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हेयर इज के यहाँ पे काफी चांप, काफी जादू जो होता है ना इट्स वो उसकी बुक के टाइटल में भी होता है उसने हाँ तो करा तो आयरन मास्क सोल्ड अराउंड इलेवन थाउजेंड कॉपीज सही है एंड देन उसने फिर मिस्ट्री ऑफ द मैन इन द आयरन मास्क उसने उसका नाम चेंज करा था तो उसके बाद उसके ऑलमोस्ट थर्टी थाउजेंड कॉपीज सोल्ड हो गई थी So you have to make sure आपकी जो है ना जो टाइटल है वो बहुत सिंपल नहीं होना चाहिए इट से इट शुड मतलब अगर रीडर एक बार आपकी बुक का टाइटल पढ़ रहा है और उसका सब टाइटल पढ़ रहा है उससे उसको अंदाजा हो जाना चाहिए फॉरन से उसके बुक के अंदर का कॉन्टेंट क्या होगा ठीक है सो पब्लिशिंग ऑन किंडल टेक्स मोर टाइम टू एक्सप्लेन देन एक्चुअली डू इट

अच्छा सो अबाउट मार्केटिंग साइड ऑफ द बुक मैं तुम लोगों को केडीपी सेलेक्ट का बता दू ये बता दू जब तुम लोग हाइपर लॉन्च कर रहे हो गए पीपल डू इट विथ के डीपी सेलेक्ट हाइपर लॉन्च कर रहे हैं साथ में के डी सेलेक्ट भी ऑन कर देते हैं एंड वॉट सम पीपल डू इज के दे डू इट आफ्टर केडीपी सेलेक्ट सो व्हाट इज के डी सेलेक्ट के डीपी सेलेक्ट इज वेयर एमेजॉन हेल्प यू मार्केट योर बुक 90 डेज एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट विद फॉर योर ई बुक पांच दिन फ्री होंगे तुम लोग के सही है जिस वक्त तुम्हारी ई e बुक बिल्कुल फ्री हो जाएगी 90 डेज एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा तुम्हारे अमेजोन से तुम्हारी बुक और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बिके अगर तुम्हारी बुक किसी और प्लेटफॉर्म पे नजर आई आई पे नजर आई और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म वहां नजर आई एमेजॉन जो है तुम एमेजोन का कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर रहे हो

दूसरी चीज पांच फ्री डेज होंगे जब तुम्हारी बुक जो है ना पांच दिन के लिए एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगी अब ये फ्री किसके लिए होगी ये मैं तुम लोगों को बता दू फ्री होगी जिन्होंने एमेजॉन सॉरी किंडल अनलिमिटेड के लिए सब्सक्राइब करा हुआ सो वॉट इज किंडल अनलिमिटेड किंडल अनलिमिटेड इज बेसिकली नेटफ्लिक्स ऑफ ई ठीक है आप मंथली एक प्राइस पे करते हो और उसमें आपको नंबर ऑफ ई बुक्स बिल्कुल फ्री मिलती हैं ठीक है नंबर ऑफ ई बुक्स आप लोग को बिल्कुल फ्री मिलती हैं ठीक है पांच दिन के लिए तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है सही है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं पर्सनल एक्सपीरियंस ये बैक इन 2015-16 में देन अगेन आई एम टेलिंग यू वी लॉन्च्ड एन ई बुक और ये भी मैं बता दूं कि वी लॉन्च सम

और इसमें बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत ज्यादा काम आता है uh, जब आपकी बुक अगर अच्छी होती है के डीपी सेलेक्ट में वो फ्री में बिक रही होती है लोग जो है बेसिकली आपकी बुक पढ़ रहे होते हैं और सब कुछ और हो रहा होता है जैसे मैंने आप लोग को दिखा दिया किंडल अनलिमिटेड पे ये देख रहे हैं आप लोग इन किंडल अनलिमिटेड You won't ट गेट एनीथिंग फ्रॉम आई मीन जिन्होंने किंडल hai wo करा हुआ है वो आपकी aapko kuch nahi उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा ठीक है kdp is over uske उसके बाद उसके बाद होता है क्या है trickle down effect होता है वो लोग जिन्होंने आपकी book free में पढ़ी होती है वो अपने दोस्तों को recommend करते हैं और फिर उसके बाद अगर आपका impact बहुत अच्छा क्रिएट हुआ है वाकई जनरली आपका अंदर का कॉन्टेंट भी बहुत अच्छा है तो फिर उसके बाद लोग आपकी बुक खरीदना शुरू कर देते हैं सही है एक सेकेंड रुकिएगा, जी तो आई होप ये तो आप लोग समझ गए होंगे और आप जैसे देख सकते हैं किंडल अनलिमिटेड जिन्होंने के लिए जो है ये एब्सोल्युटली फ्री है दिस इज बिकॉज दे हैव ऑप्टेड इन फॉर फॉर बेसिकली के डी पी सेलेक्ट ठीक है जो बाकी लोग होते हैं जिन्होंने के डीपी I आई mean, मीन जिनके पास किंडल अनलिमिटेड नहीं होता और जब आपकी के डीपी सेलेक्ट ऑन भी हुआ हुआ होता है उनसे आप लोग को रॉयल्टी मिल रही होगी ठीक है, सो so, एक मार्केटिंग छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैं आप लोग को बता रहा हूं आई गिव यू लाइक अ मिनट टू थिंक ओवर इट और चलो लिखो भी नहीं दिमाग में लाओ एनी लास्ट थ्री और फाइव बुक्स डेट यू रेड सही है एंड देन राइट अप दीज आर द क्वेश्चन यू सपोज टू आस्क है? Uh, फातर uh, आप जो है ना ये वीडियो जो है एग्जैक्टली बीबीसी पे अवेलेबल हो जाएगी और ये वाला पार्ट है भी तो आप जाके देख लीजिएगा इट्स विल बी हार्ड फॉर मी टू गो थ्रू इट अगेन सही है देन राइट हाउ डिड यू अबाउट देम यू डोंट हैव हैव टू टू राइट इट इट यू जस्ट थिंक अबाउट सही है व्हाई डिड यू बाय देम हाउ हैव यू टोल्ड एनीवन एल्स अबाउट द बुक सो आई विल जस्ट गिव यू फ्यू सेकंड्स टू थिंक ओवर इट एनी बुक एनी लास्ट थ्री और फोर फाइव बुक्स जो आपने पढ़ी हैं सही, है? um, सही है पर मैंने लास्ट शायद डेल गार्डिक की, की तीन बुक्स पढ़ी थी सो आई नो हाउ डिड आई हेयर अबाउट दम हाउ डिड आई बाई दम एंड हुईस नाइस ओके सो ही आंसर आप लोग मुझसे अग्री करोगे इस पॉइंट पे सही इट्स यूजली आई एम नॉट टूजली समेतो एन ऑथर फॉर अग टाइम को बोला था जैसे आई नो कित गोर्डन की मैं वीडियोज देखते हुए आ रहा हूं तो जब मैंने उसकी बुक देखी ऑन द शेल्फ सैथ गोर्डन द डिप तो मैं सही है और उसमें थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा वॉट इज इट अबाउट

Uh, i think it was how to make friends and influence people say it's also about how you leave influence on other people it's amazing amazing book it's really amazing book so uh, <coughs> because he recommended me on how it basically influenced his life and then how it influenced them so i was kind of uh, shocked so which is why i felt okay Matabai i should just buy it and read it and i bought it so, it, it is an amazing book. So, this is how basically I came across it because someone told me about it. So, you have to keep this in mind that once your book is out and about, your book can only make an impact. Shuru to impact, sahi hai ebola cover, title, and everything. But in the long run, obviously, it's what is inside the book. So, in the long run, rich dad, poor dad, Dale Carnegie's books.

मार्केटिंग सो आई थिंक सो वी जस्ट है आप लोग को दूंगा सही है तो आई मी जो कि आप फ्री प्रमोट कर सकते हो नॉट टॉकिंग अबाउट इ बुक प्लेटफॉर्म्स है प्लेटफॉर्म जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्री साइट्स जहां पे आप लोग जाके प्रमोट कर सकते वो मैं आप लोगों को दूंगा फेसबुक ग्रुप्स फॉर किंडल पे जाके जो है किंडल ऑथर्स आप लोगों को ये सर्च करना है होता ये है देखें आ, एक बात बताऊं ये जो कम्युनिटी है ना ऑथर्स की आ, ये एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करती है अगर आपकी बुक बाहर जाती है व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी एज़ वेल आपने उन उस कम्युनिटी ऑथर्स की कम्युनिटी पे जाके बोलना है मेरी बुक लॉन्च हुई है आई एम गिविंग इट फॉर फ्री टू यू गाइज मैं चाहता हूं आप लोग रीड करो प्लीज आगे रेकमेंड करो और आई प्रॉमिस यू कि मैं आप लोग की बुक जो है ना आके रिकमेंड करूंगा सही है दिस एक्चुअली इस कम्युनिटी को सही ट्विटर इंस्टाग्राम शाउटआउट्स मैं इंफ्लुएंस मार्केटिंग के ऊपर जो है ना टॉपिक कवर कर रहा हूँ बहुत जबरदस्त तरीके का ये आ, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए अपनी लास्ट मतलब uh, मैं आपको बता देता हूँ एक बात एक वो है केस uh, स्टडी है ऑडिबल के बारे में यहाँ पे काफी लोग जानते होंगे ऑडिबल इज बेसिकली एन ई बुक प्लेटफॉर्म सही है आई मीन इट्स नॉट एन ई बुक प्लेटफॉर्म इज बेसिकली ई बुक्स जो है वो आपको ऑडियो फॉर्म में मिल रही होती हैं। ठीक है सो um, ऑडिबल so जो है वो 2015-2016 में Amazon ने खरीद लिया था ठीक है और

तो 2012, 2015 में बारह दो हजार मुझे याद पड़ा है 2015 में Amazon ने जो है Audible को एक बाप तरीके से बेसिकली प्रमोट किया था उन्होंने करा यह था कि जितने भी दुनिया के जो बड़े आ, यूट्यूबर्स थे उनको रीच आउट करा था और उनको बोला था कि हम बेसिकली वीडियो कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आप लोग अपने अ अपने कंटेंट में हो, उसको जो है इंटीग्रेट कर लो जो भी यूट्यूब का कंटेंट निकाल रहे हो या आप शाउट दे दो या ये कर दो या वो कर दो और उन्होंने बड़े अच्छी सी डील्स निकाली थी कितने बड़े उनके साथ प्यूडी पाए और आ, इसी तरह और भी है मेरे पास लिस्ट मौजूद है लेकिन मैं बहरहाल अभी नहीं बात कर रहा डिटेल में लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि शाउट शाउटआउट्स का जो है इंपैक्ट कितना बड़ा होता है एंड दे हैड लाइक इसकी वायरलिटी जो थी वो इतनी क्रेजी गई थी कि ऑडिबल जो है वो रात और रात जो है ना मतलब जो ई बुक लवर्स थे जो बुक लवर्स थे उन तक पहुंच गया था एंड नाउ ऑडिबिल्स सेल्फ इज अज प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म ठीक है तो शाउटआउट का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है ये बस मैं आपको आप लोगों को बता रहा हूं ये बात दिमाग में रखिएगा ठीक है आप लोग ने जब भी अपनी ई बुक लॉन्च करनी है यू गाइज हैो इन द रेलिवेंट नेश मैं आप लोग को इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर मेरी पहली वीडियो बन गई है मैं बेसिकली उसको इंशाल्लाह ताला लॉन्च कर मैं आप लोग को बता रूंगा कि इन्फ्लुएंसर्स कैसे ढूंढते हैं ये आप लोग की हर तरह के बिजनेस के लिए काम आएगा किंडल हो एमेजन पीएल हो शॉपाई ड्रॉपशिपिंग हो सही है हर प्लेटफॉर्म के लिए काम आएगा आपके तो आप लोग ने शार्ट आउट करवाने हैं जिसकी वजह से आप लोग की ये बुक्स और ज्यादा बिकेंगी ठीक है मार्केटिंग इज नंबर वन मैंने आप लोग बताया था कि बुक के अगर एस्पेक्ट से देखें तो आप लोग के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है um, आपका जो बुक का कवर टाइटल सब टाइटल देन ऑब्वियसली मार्केटिंग साइड ऑफ द बुक मार्केटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एस्पेक्ट देर मिलियंस ऑफ राइटर्स एन हंड्रेड एंड मिलियंस ऑफ बुक दैट डोन्ट सेल एंड यू शुड नो वाई रीजन इज बिकॉज पीपल डू नॉट नो हाउ टू मार्केट इट मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ और मैं डिस्करेज नहीं कर रहा अगर आज आप लोग बुक कर कर लो अपलोड करोगे और छह महीने एक साल तक रुक जाओगे बोलोगे की यार मैं बुक लॉन्च कर दी लेकिन मेरी सेल्स नहीं आ रही आई विल बी हेल्प यू गाइज से बुक ठीक है इफ यू नॉट गुड विद इट पार्टनर विद सम Who's good with 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 it? So I'm talking about VAs who have hands-on knowledge the 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 MC flow, okay? with the, uh, with the hyper विच सही तो आप लोग ने बेसिकली उनके साथ पार्टनरअप करने और उनके साथ मिलके जना उनके साथ मिलके बुक लॉन्च कर लो या उनको हायर कर लो या वॉट वॉट एवर दैट इज या आप लोग खुद सीख लो लेकिन यू गैस है होल कॉन्सेप्ट ओवर कैसे आराम से आप लोग ने लॉन्च करना है राइट मोर

आप एक निश में बुक लिखो आप जब ऑथर बनो ना आप मेरे से एक एक अकाउंट के अंदर आप थ्री या टू ऑथर्स लॉन्च कर सकते हो मुझे exactly याद नहीं, मैं आपको बता दूंगा ना, जो भी एक ऑथर है आपको कोशिश करो कि वो एक निश को कवर करे एंगल्स डिफरेंट हो एंड वेन द एंगल्स आर डिफरेंट यूर अट्रैक्टिंग लाइफ लॉन्ग रिविंग न्यू रीडर्स ठीक है सपोज मेरे मरहूम फादर जो थे वो इंटीरियर uh, डेकोरेटर थे तो उनको लैंडस्केपिंग भी आती थी और उनको उनको नॉलेज थी फाइबर ग्लास फर्नीचर के ऊपर भी सही है तो अगर बेसिकली मैंने जो बुक लॉन्च करी थी वो इन इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर करी थी बिकॉज आई हैड सम नॉलेज बिकॉज ऑफ माई फादर तो लैंडस्केपिंग uh, के ऊपर करी थी स फर्नीचर के ऊपर करी थी देन हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ इट इन साइड योर इन इन यूर हाउस कैसे फाइबर ग्लास फर्नीचर को जो यूज कर सकते हो माई क्लाइंट बेसिकली अब तो मेरी बातचीत नहीं है उनसे शी है कंबाइंड शी वॉज अर्निंग सिक्स फिगर्स ठीक है एंड आई आई एम जस्ट सेइंग के दिस इज द काइंड ऑफ एसेट विल व्हिच विल स्टे विद यू यू इफ आर अराउंड 25 आप एक बात कह लेते हो सपोज uh, मैं हर साल तीन बुक्स लॉन्च करूंगा या हर क्वार्टर में एक बुक लॉन्च करूंगा हर तीन महीने बाद और मैं उसको अपलोड करके छोड़ दूंगा सही है पांच साल में यू विल हैव ऑलमोस्ट 20 बुक्स 20 बुक्स विद यू लीव इट एज इट इज ये प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं जाता ठीक है, so, that. अब मैं आप लोगों को बस एक तरीका बता देता हूं तो आप लोगों को साइन अप करना है है, ठीक थिंग्स टू नो के डीपी पेज रॉयल्टी एवरी मंथ ये याद रखना आप लोग ने लेकिन अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इज विच देर अर्ड सही है मतलब Uh, हर साठ दिन के बाद आप लोग के पास पैसे आ रहे होंगे ये बात फाइवर फ्रीलांसिंग है आई थिंक अकबर के साथ भी है कि अब फाइवर के साथ तो यह हर चौदह दिन के बाद आ रहे होते तो ये आप लोगों ने दिमाग में रखना है मिनिमम थ्रेश होल्ड ऑफ विदड्रॉइंग द मनी इज हंड्रेड डॉलर तो सौ डॉलर से कम पे आप पैसे नहीं निकाल सकते यू विल गेट थर्टी परसेंट डिडक्शन थर्टी परसेंट होल्डिंग टैक्स पड़ता है अगर आप लोग के पास आई टी आई टी आई एन या टीआईएन नहीं है अब उसका अराउंड में आप लोगों को बता देता हूं तो बहुत ईजी है बहुत ईजी है सही है आप लोगों को सिर्फ अपना सी एन आई सी चाहिए ठीक है यू कैन आप मुझे याद नहीं था दो था लेकिन ये थ्री है फॉर श्योर स्टेप वन Amazon के आप लोग को के डॉट डॉट कॉम पे जाना है और आप लोग को पे दबाना है डोंट अकाउंट

योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट अपडेट नाव अपडेट नाव पे आप लोगों को क्लिक करना है एक बार आप लोग अपडेट नाव पे क्लिक करोगे आप लोग आगे जाओगे आप लोग जाओगे कंप्लीटिंग इन्फो टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे आप लोग अपना नंबर डालोगे टेक्सट मैसेज आएगा आपके नंबर पर ओटीपी आएगा आप लोग वो एंटर कर दोगे स्टेप सेवन फिल इन ऑथर पब्लिशर इन्फो कंट्री सेलेक्ट करा फुल नेम डाला एड्रेस लाइन डाली सिटी डाला स्टेट डाला पोस्टल कोड फोन इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मैं आप लोग कहाँ सिखाऊंगे मतलब पोस्टल कोड कहाँ से देखना है कोई भी ऐसी चीज नहीं है आप लोग अपना जीमेल अकाउंट समझ लो बना रहे हो ठीक है स्टेप एट गेटिंग पेड तो आप लोग अपनी बैंक अकाउंट डिटेल जानिए हाउ यू विल बी रिसीविंग द मनी अब मैं आप लोग को इधर हेल्प कर देता हूं आप लोग ने बनाना है प्योनर का अकाउंट मैं समझ रहा हूं यहाँ पे मेजोरिटी लोगों के पास प्योनर का अकाउंट होगा जो प्योनर का रिसेंट इशू चल रहा था वो रिजोल्व हो गया है सही है कोई भी टेंशन की बात नहीं है ठीक है गेटिंग पेड में जब आप लोग जाओगे स्टेप एट का ही पार्ट कंटिन्यूएशन है आप लोग अपना वेयर इज योर बैंक डालोगे पाकिस्तान तो सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स डालोगे आई एम सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स डालोगे अकाउंट होल्डर नेम अकाउंट नंबर राउटिंग नंबर नेम ऑफ बैंक ये चार चीजें कहां से आएंगी आपके पास मैं ये आपको बताता हूं ये चार चीजें आएंगी आप लोग के पास पेओनियर में जाओगे साइन इन करोगे जब साइन इन करोगे तो रिसीव ग्लोबल पेमेंट सर्विस आएगा उसके ऊपर क्लिक करोगे उस पे क्लिक करने के बाद ग्लोबल सर्विस पे रिसीविंग अकाउंट्स पे यूएस के ऊपर क्लिक करोगे जब यूएस के ऊपर क्लिक करोगे व्यू डिटेल्स आ रहा होगा एक मिनट रुकना व्यू डिटेल्स आ रहा होगा व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद अकाउंट नेम बैंक नेम राउटिंग नंबर अकाउंट नंबर अकाउंट टाइप बेनिफिशरी नेम ये सारी वही डिटेल्स हैं जो ऊपर मैंने आप लोगों को बताई थी जो आप लोगों को चाहिए होंगी ये ये चीजें आप लोग एज इट इज उठा के दे दोगे ठीक है

तो उसके बाद जैसे ही टिक करोगे ये आ जाएगा टी आई एन वैल्यू यहां पर तुम लोग अपना सी एन आई सी नंबर डालना है याद रखना अपना सी एन आई सी नंबर डालना है यहां पर तुम लोग अपना सी एन आई सी नंबर डालोगे जो कि विच इज आर एन टी एन सॉरी या सही है जो हमारा बेसिकली वो टैक्स नंबर है ठीक है ये तुम लोग डालोगे आगे प्रोसीड करोगे और सिग्नेचर टाइप का फुल नेम खान ठीक है तुमने अपना नाम डाला मेरा नाम मत डालना मैं बता रहा था सिर्फ एप्लीकेबल विद होल्डिंग रेट जीरो परसंट. अगर तुम लोग अपना सीएनआईसी नहीं डालोगे एप्लीकेबल विद होल्डिंग टैक्स सी एन आई सी नहीं डालोगे थर्टी परसेंट लिखा हुआ आएगा ठीक है याद से अपना एन टी एन नंबर विच इज योर सीएनआईसी नंबर यहां पर डाल देना ठीक है खत्म नेक्स्ट मैं आप लोग के साथ स्टार्ट करूंगा मार्केट एंड रिसर्च के ऊपर आप लोग को रिसर्च कैसी है ओके

नहीं तो जो ऑथर आप लोग हैं या कंटेंट राइटर है मैं तो समझता हूँ आप लोग को करना ही चाहिए ये वाला मॉडल और एमेजोन एसोसिएट्स तो आप लोग को करना ही करना चाहिए क्योंकि ये आप लोग के लिए बना हुआ है राइटर हो तो कमाओ और जो लोग बाकी बैठे हुए हैं जिनको राइटर्स चाहिए जो ऑथर नहीं है उनको रीच आउट करो हमारी इसी कम्युनिटी में बोलो कि भाई मैं आपके लिए गोस्ट राइटिंग करूंगा मैं आपको बुक लिख के दूंगा पैसा ही पैसा है इसमें अच्छे पैसे हैं मतलब हेल्दी पैसे है ठीक है

अब बहुत डिफरेंट हो गए तो मैंने यही सोचा कि मैं आप लोग को सही करके दे देता हूँ uh, ये पूरा आप लोग रहा हूं। कि कवर डिजाइन वगैरह कैसे करना है सारी चीजें कैसे करनी है इनशाला ठीक है क्योंकि मैं खुद फाइबर का एक्सपर्ट हूं मैं लोगों को क्लासेस भी देता हूं uh, इससे पहले मैं बेसिकली मैंने आप लोग को बताया नहीं शायद मैं ईसी में आने से पहले ईसी में माशाल्लाह मुझे टाइम हो गया है पांच महीने हो गए शायद ईसी से पहले मैं uh, I, in, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान में पढ़ा रहा था और इम्पीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज में पढ़ा रहा था मैं यही सारी डिजिटल मार्केटिंग उसमें सारी चीजें मैं कर रहा था बेसिकली और वहां uh, पे मैं बेसिकली फाइवर वगैरह पढ़ा देता लोगों को फाइवर और भी ये भी था Amazon Associates और ड्रॉप शिपिंग और सारी चीजें ओके okay. तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कैसे करना है above question okay i have a client and she wants to launch a kindle book what should i be charging her and what

स्टिल इन केस प्रिकॉशनरी स्टेप ताकि बाद में मैं ब्लेम ना हूं कि आपने तो बोला तो कोई मसला नहीं होगा मैं बोल देता हूं भाई मसला होगा आप वीपीएन यूज करके या वीपीएस यूज करके जो ना लॉग इन कर ले फॉर द सेफ साइड ठीक है ओटीपी फिर भी आपको डालना पड़ेगा ओटीपी फिर भी करना पड़ेगा ठीक है अब आगे उसके देखो अगर वो बुक लिखवाने की बात कर रही है तो तुमने जो है स्टैंडर्ड रेट्स चेक करने फाइवर पे और अपवर पे जाके स्टैंडर्ड रेट्स क्या चार्ज हो रहे हैं अगर सिर्फ लॉन्चिंग और मार्केटिंग की वो कर रही है कि भाई आपने रैंक करवाना है तो वो तो तुम इसी के रेट्स देख के जाहिर सी बात है थोड़े ऊपर के रेट्स रख के पर बता दो ये तुम बाकी लोगों से पूछ लो मुझे नहीं पता कि वीवीआर ओस के या हाइपर लॉन्च के तुम लोग क्या दे रहे होते हो वी को या क्या कर रहे होते हो मुझे नहीं पता तो उस उससे जाहिर सी बात है ऊपर ही गोरे गोरा है तो उससे ज्यादा ही चार्ज करोगे

एक मिनट किंडल स्पाई केडी स्पाई सही ठीक है केडी स्पाई चाहिए होगा ये मेरे पास इसके क्रेडेंशियल्स हैं अभी मेरे पास मतलब मुझे जाके जा देखने पड़ेंगे भी डालने होंगे मतलब आप लोग मुझे नहीं पता इफ यू कैन शेयर इट बट क्योंकि ये ईसी का वो है तो मैं ये शेयर नहीं कर सकता ठीक है और या थे फिर पब्लिशर रॉकेट ठीक है पब्लिशर रॉकेट या के डी स्पाई ये दोनों जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर हैं जिसकी वजह से आप अपने कॉम्पेटेटर्स के ऊपर डायरेक्ट वो कर सकते हो मैं आप लोग को एक वो व्यू दिखा देता हूं इमेज दिखा देता हूं कैसा लगता है केडीज पर ये देखें ये उस खास टॉप हंड्रेड पेड बुक्स के अंदर आई हुई है और यहां पे वो पूरी डिटेल्स बता रहे है, प्राइस क्या है कितनी पेजेस की बुक है अच्छा पर पेज आई थिंक ढाई से तीन वर्ड्स आते हैं एक बुक में एक बुक की एक पेज जो होता है ना उसमें ढाई सौ से तीन सौ वर्ड होते हैं सही है तो पेजेस कितने हैं तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं जितने वर्ड्स लिखे हुए कितने पैसे उसने मतलब राइटर को दिए होंगे एस्टिमेटेड मंथली सेल्स क्या है एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू क्या है सारी डिटेल्स बी एस आर रैंकिंग क्या है हर चीज हर चीज है ठीक है ये मैंने बेसिकली वीबीसी में डाला हुआ है आगे के सेक्शन में तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हो तो ये दो सॉफ्टवेयर इन दो दोनो किसी एक की मेरे पास तो दोनों है। यार, का एक मसला है मैं आपको बता देता हूँ मैं, मैं तकरीबन दो से तीन लोग हायर कर रहा हूँ तो जैसे आप लोग को अमेजोन पी के लिए एक टीम बनी हुई है ना और ग्रुप्स हैं वैसे हमारी भी टीम बन रही है थोड़े इंटरव्यूज में आजकल रोज ले रहा हूँ मैंने ये पहले भी प्रोमिस किया था जो पिछले बीसी के स्टूडेंट्स थे हो सकता है कुछ बैठे हुए कि भाई मेरे पास लोग होंगे जो मैं हायर कर रहा मंथ्स बहुत खराब हो गई थी uh, अब बेहतर है बहुत लेकिन बिल्कुल सही नहीं है लेकिन हम लोग ने प्रोसेस बहुत तेजी से कर रहे हैं सही है क्योंकि मेरे पास ये वाद काम नहीं है मेरे पास और भी ईसी के काम है अब मैं इसी का परमानेंट uh, परमानेंटली एज ईसी रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा हूँ तो मैं तो मेरे पास बहुत सारे और काम भी हैं तभी मैं एक टीम दो से तीन लोगों की हायर कर रहा हूँ जो मुझे असिस्ट कर रहे होंगे और वो बकायदा तुम लोग से डायरेक्टली ये सारे सवाल ले रहे होंगे ठीक है तो तुम लोग मुझे फेसबुक इनबॉक्स पे नहीं करो फेसबुक इनबॉक्स का मेरा फ्लड हुआ बहुत है रोज मेरे पास तीस तीस बीस बीस मैसेजेस आ रहे होते हैं सही है तो मैं नहीं चेक कर पाता और उस वजह उसकी रीजन भी यही है कि मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें होती हैं डिलीवर करने के लिए और कर, वो ज्यादा प्रायोरिटी होती हैं तो मैं फिक्र नहीं करें आप लोग का ये मसला जो है ना मैं स्ट्रीमलाइन कर रहा हूं आप लोग डायरेक्टली मेरे साथ ही लगे हुए होंगे डायरेक्टली बात कर सक पा रहे होंगे आप लोग और मेरी टीम से बात कर पा रहे होंगे आप लोग की सारी क्वेरीज मुझ तक पहुंच रही होंगी देखो आई एम नॉट मैं तुम्हें अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूं लेकिन अपने career के शुरू में, मैं इस तीन महीने लगकर कॉन्टेंट राइटिंग करी और इतनी करी है कि मैं बता नहीं सकता और मैंने और भी जगह पर कॉन्टेंट राइटिंग करी है लेकिन मैं अब करता नहीं हूं लॉन्ग गॉन मैं इस एरिया में बिल्कुल भी कदम नहीं रखता तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर अपना से नहीं आप ये बोलते हो कि आपका क्या ख्याल है कि मैं क्या मतलब अः किसी कोई टॉपिक टौ, टौ, मतलब मैम क्या बोलू मैम कोई टॉपिक कोई टॉपिक हाँ ट्रेवल एंड टूरिज्म के ऊपर लिखू ट्रेवल एंड टूरिज्म बहुत अच्छी चीज है मतलब मुझे भी पसंद हुए लेकिन मतलब मुझे टॉपिक के बारे में नहीं पता आप ज्यादा जानते हो क्योंकि आप लिखना चाह रहे हो मैं कुछ एरियाज के बारे में कुछ अपनी से नहीं दे सकता इतनी क्योंकि जो आपने सवाल पूछा है वो अच्छा है

Uh, can you sign a uh, KDP account using Pakistani details? Yes, you can. Pakistani number, etc. Yes, it's not going to suspend like. No, if we provide our name and address with Pakistani CMS, we won't no? That won't be an issue. Uh, uh, will we discuss paperback also? Yes, we will discuss paperback also. Faisal Bank would, uh, has contract with Pioneer. Okay, Faisal Bank. Secondly.

मैंने अभी पूरा आप लोग को बताया तो है टैक्स आइडेंटिटी नंबर का हाँ आप लोग हायर लो लो करें इसका भी जवाब दे दिया मैंने आप लोग को दो कॉन्टेंट राइटर नहीं है वो गोस्ट राइटर्स हायर करें उनसे लिखवाए कोई टेंशन नहीं है इसी की कम्युनिटी इतनी राइटर्स से पड़ी हुई है उनको हायर करें हमारी जो अभी बात चल रही है उसमें कोई एक्सपर्ट राइटर्स हुए होंगे

पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि प्योनीर के टिकट के कस्टमर सपोर्ट है उनसे जाके बात करें उनका वेटिंग टाइम आधे घंटे का होता है और अप अप टू टू मिनट्स का भी होता है सही है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लेकिन आप लोग को बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा क्योंकि उनका जैसे कस्टमर सपोर्ट आता है आपको बात करनी पड़ेगी तो गेट दिस सॉर्टेड आउट और मेक अ न्यू पेयर ग्लोबल पेमेंट सर्विस आई मीन पेर अकाउंट बिकॉज ये हल बहुत आराम से हो जाएगा कोई इशू नहीं है ये ठीक है रख लें जर्मी मिलर रख लें स्टीव स्पार्क रख लें कुछ भी नाम रख लें आप ऑथर का नाम तो कुछ भी रख लें आप, आपको अपना नाम थोड़ी ना देना है जरूरी थोड़ी है ये तो वो तो कुछ भी हो सकता है ऑथर का नाम तो देना पड़ेगा ऐसे कैसा सकता है ऑथर का नाम ना हो प्रूफ रीडर्स कैन A pool of authors, uh, मैं इसका आप लोगों को दे दूंगा ये जो आप बोल रहे हैं ना पूल ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कैन वी लॉग इन विध एमेज सेलर आई डी कैन वी लॉग इन वि आई थिंक सो आई डोंट थिंक सो मतलब ये देखो लेट मी टेल यू गाइस आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ Amazon PL एंड आई एम नॉट डूइंग PL ठीक है बट आई हैव कोलाब आई बेसिकली आई हैव कोलैबोरेशन विद PL एक्सपर्ट्स जो ट्रेनर्स हैं हमारे ठीक है मैं उनके साथ कोलैबोरेशन पे हूँ मैं अपना खुद PL के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं और अभी करना स्टार्ट करूंगा ये सारी चीजें तो बेटर टू कंसल्ट देम रिगार्ड्स टू इट

मैं पहले स्लाइड शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ मल्टीपल केडीपी अकाउंट्स के लिए आप सेम एड्रेस नहीं यूज़ कर सकते नहीं आप लोग एड्रेसेस डिफरेंट शेयर करें डिटेल्स डिफरेंट शेयर करें सब पेओनीर अकाउंट डिफरेंट शेयर करें अगर आपको दूसरा केडीपी अकाउंट बनाना है विद इफ यू गाइस नीड थ्री न्यू ऑथर्स सही है और पीसीबी दूसरा यूज़ करें बिकॉज़ मैक एड्रेस कुछ अगर इनके कुकीज में ये लोग ट्रैकिंग मैक एड्रेस वगैरह भी तो फिर वो भी एक इशू हो सकता है आई कैन लैस इट फ्लिपेबल ये देर फ्लिपेबल दिखा देता हूं मैं आप लोग को uh... ठीक है हाउ टू चेक प्लेजरिज्म इन केस ऑफ गोस्ट राइटिंग प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर होते हैं एक होता है सबसे मशहूर लेकिन महंगा होता है आप किसी अगर कोई इसी कम्युनिटी में किसी के पास हो तो उसके कर, उससे कर सकते हो वरना ग्रामरली वगैरह में भी आई थिंक होता है पेड वर्जन में वो उसका जरा सस्ता है तो उसको आप टर्न इन, टर्न इट इट इन इन जो है दुनिया का टॉप थ्री या टॉप टू प्रॉब्लबली टॉप वन वो है सॉफ्टवेयर है जो ऐसी प्लेजरिज्म पकड़ के लेके आता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ठीक है अब मजर कयूम के पास है अगर आप लोगों को लगता है तो मे बी आप लोग इनको दे सकते हो और ये उसके अगेंस्ट कुछ चार्ज कर सकते हैं आपको कुछ पैसे वगैरह ठीक है बिकॉज इट इन इज वर्ल्ड नंबर वन सॉफ्टवेयर फॉर चेकिंग प्लेजरिज्म कुछ भी हो कहीं से भी पकड़ के ला के आपको दिखा देगा भाई इस राइटर ने जो है ना प्लेजरिज्म करी हुई है सही है हाँ आई एम श्योर और भी होंगे लेकिन इट इन बेसिकली मैं दो चौदह पंद्रह से जानता हूं कि टर्न एटेन जो है इज अमेजिंग अमेजिंग और मैं ये यूज करता था ऑन रेगुलर बेसिस इनफैक्ट आर्डली बेसिस बिकॉज हम लोग कंटेंट राइटिंग कर रहे होते थे वे टू फाइंड अ गोस्ट राइटर फाइवर अपवर्क हमारी कम्युनिटी इसी की कैन बी सेल के डी पी लॉन्चिंग सर्विस हंड्रेड परसेंट यू कैन पैसा भी अच्छा है इसमें मूवीज ओनली एनालाइज डेटा ऑफ योर बुक

जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जल्द से जल्द करता हूं मैं लिंक शेयर कर रहा हूं रुको मैंने लिंक शेयर कर दिया ठीक है <coughs> चलो ग अपना ख्याल रखना आप सब ठीक है आ, और आई एम सॉरी अगेन कि मैंने टाइमिंग का ये मसला हुआ लेकिन ये प्रॉबेबली सेशन आज होता ही नहीं अगर मैं आज इस टाइम पे कंडक्ट नहीं करवाता और ये क्योंकि बीबीसी पे एक्सेस है तो नौ बजे मतलब आज नौ बजे पता नहीं होगा या नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट बीबीसी पे सुनर और लेटर चला जाएगा तो जिनों का मिस आउट हुआ है वो देख लेंगे एंड इनशा तला आगे ऐसा नहीं होगा आप लोग अपना ख्याल रखियेगा I say, al -haufis. You're welcome. It's